हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं एक टाइम सेटअप चेंज किया मैंने, तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। हालांकि हर सेशन में आपसे कहता हूँ कि आप मुझे कंफर्म करें कि मेरी वॉइस क्लियर है, तो हम बात को आगे बढ़ाएं। तो अगर कंफर्म है तो हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और अदरवाइज़ हम लोग अपने पुराने सेटिंग पर भी जा सकते हैं जैसा हमेशा करते थे। बट हर बार कंप्लेन आती थी कि कुछ वॉइस को लेकर प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ। यस, गुड इवनिंग आलम खुर्शीद। आलम खुर्शीद, ऑल क्लियर है और यस कंफर्म है, तो ये भी कंफर्म कर दिया। मुझे लगता है कि आज मैंने आवाज़ वाला जो है सेटअप वो चेंज किया है, तो क्या कंफर्म कर सकते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या बिल्कुल वैसे ही है? सुफिया, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया, सब दिनों से वॉइस परफेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल से मैं इस एफर्ट को सीख रहा था। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते थे तो कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, बड़े हुए तब भी हमारी लाइफ में नहीं था, बट पिछले कुछ सालों से इसकी एंट्री हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए कल से मैं कोशिश कर रहा था कि वॉइस को मैं क्लियर करूँ। तो यह सालम खुर्शीद ने बात अच्छी सी कही, अच्छा लगा सर, लगता है न्यू सिस्टम लॉन्च किया। चलिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको आवाज़ हमारी क्लियर मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। गुड इवनिंग निदा फातिमा, सुस्मित तिवारी, शिवाजी वाल्बी। भाई आप लोग नाम बहुत अजीब अजीब से रखते हो, तो चलिए मैं शिवाजी बोलूँगा। तो आज हमारे पास day 34 है, हम लोग कई सेशन से कर रहे हैं। तो यस, प्रैक्टिस पेपर हम लोग फिर आज एक बनाएंगे। आज हम लोग फिर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसा हमने लास्ट संडे किया था। वॉइस बहुत क्लियर है, चलिए निदा फातिमा ने भी हमें सही कर दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो हम लोग ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो हम लोग सेशन लास्ट वाले में कर रहे थे कि थोड़ा फास्ट कर रहे थे, शायद उसी तरह से आप चाहेंगे फिर सेशन करना। मुझे कन्फर्म कर दें, यस क्या आप चाहते हैं उसी तरह से फास्ट हो सेशन? प्लीज कंफर्म एंड देन वी विल गो टू द स्टार्ट। यस वॉइस वेरी क्लियर फिजिक्स वाला, यस सोफिया भी कह रहे हैं ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम उसी तरह से शुरू करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग अमरीश चौधरी। लेकिन बस मैं एक बात का ध्यान रखूंगा, अगर आपके पास कोई और डिस्ट्रैक्शन है तो प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि आप अगर फास्ट सेशन करोगे तो ऐसा ना हो कोई गलती हो पढ़ने में और बाद में हमें आप सॉरी कहें। तो प्लीज़ ये मत करिएगा, 100% फोकस रखिए। कोशिश करिए अगले 40-45 से 50 मिनट सिर्फ हम यहीं पर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 1, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाय। जो गंगा यमुना एक्शन प्लान है, जहां आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ा था, उसी जगह की अंतिम लाइन है एनसीईआरटी की। तो गंगा यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाय, यस ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, नो डाउट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ। एलिफेंटियासिस हम लोग फील पाँव को कहते हैं, फाइलेरिया का दूसरा नाम एलिफेंटियासिस है। सवाल है इट इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, अंजला अतीक ने सबसे पहले आंसर किया है सी इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ बुचेरिया, बिल्कुल सही बात है, पूरा नाम है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, यस एंड यस दैट बिलोंग टू द फाइलम नीमेटोडा कह लें, या फिर आप एसके एलिमेंटीज भी कह लेते तो भी से। अमरीश चौधरी थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, मनीषा पटेल बी कर रही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर एड्स वायरस इज यूजुअली, जो एड्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो यूजुअली कितना होता है, बड़ा वेरी करता है। और यस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, थर्ड ए आंसर आ रहा है 5 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स बिल्कुल सही आंसर है, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर एड्स इज द 5 to 10 ईयर। वैसे लिखते हैं लोग फ्रॉम 15 मंथ to 57 मंथ, ये अप टू बात ऐसी कही जाती है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है इट मे अप टू एंड दैट इज 5 to 10 ईयर,
तो बेस्ट आंसर द ए, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है, अभी तक कोई गलत नहीं हुआ। द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर, ऐसे जीन को बताना है जो कैंसर कॉज करते हैं। द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर, यस क्वेश्चन नंबर 4 बताएं फास्ट। सी ऑन्कोजीन कह रहे हैं आंसर, यस बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है, मैं नाम लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत करे तो नाम लेना जरूरी है, अदरवाइज सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। द जीन कॉजिंग कैंसर आर नोन एज एन ऑन्कोजीन। यस क्वेश्चन नंबर 5, डार्विन फिंचेस शो वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो डार्विन फिंचेस है वहां पढ़ते हैं, डार्विन फिंचेस का जो नाम था एंड दैट वाज द जियो स्पाइजा, जियो स्पाइजा, तो यस शोज वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, यस अब बात बनी हमारी, क्योंकि अगर कुछ गलत ना हो तो बात ही कैसे समझाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज द यस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन में क्या कहा, इंडस्ट्रियल मिलिज्म नहीं है, इंडस्ट्रियल मिलिज्म जो लोग आंसर कर रहे हैं दे आर बायस्ड विद द, वो जो आपने पढ़ रखा था वहां पर इंसेक्ट मिलेनाइज्ड मॉथ को, डार्विन फिंचेस का उससे ताल्लुक नहीं है। डार्विन फिंचेस ने ये मतलब ये बताया गया जो साउथ अमेरिका है हमारा, इसी साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड अलग हुआ, फिर बाद में ये कई हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो ये यहाँ से था, तो ये ज्योग्राफिकल चेंज हुआ, तो एक अलग अलग हैबिटेट डेवलप हो गए, जिस हैबिटेट में ये पहुँचे उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ की जो जियो स्पाइजा थी उन्होंने एडॉप्टेशन की, तो ये कहलाता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंशियस। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चंस के आंसर में सहमत होंगे, कोई प्रॉब्लम हो आपके हमारे क्वेश्चन से अनसेटिस्फाइड हो आप जरूर चैट में करिए, मैंने चैट ऑन कर रखा है, मैं देख रहा हूँ। इससे बी आंसर जिन्होंने किया है उनका गलत है, आंसर इज द ए बायोजियोग्राफिक एविडेंस। यस क्वेश्चन नंबर 6, होमो सेपियंस डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम, इवोल्यूशन का सवाल है, होमो सेपियंस डायरेक्टली किससे इवॉल्व हुए हैं, जल्दी से आंसर करें, देर मत करिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, 6 का सी आ रहा है, होमो सेपियंस नियंडरथल मैन, ए भी आ गया है, दैट इज यस, बी भी आ गया, ये तो सोचने वाली बात है, फिर तो गलत हो रहा है आपका, तो फिर कुछ गलती है। सर सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सुन लीजिए कुछ सवालों को तो समझना ही पड़ेगा ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवॉल्व हुए एंड दैट इज अ होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए एंड दैट इज अ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। मैंने आपसे होमो सेपियंस पूछा है, दिस होमो सेपियंस को हम लोग मैन कहते हैं, दिस इसमें तीन लोग आते हैं, नियंडरथल मैन इसी में आता है, क्रो मैग्नन मैन इसी में आता है, और मॉडर्न मैन भी इसी में आता है। होमो इरेक्टस आप कहते हैं तो इसमें जावा मैन आता है, पेकिंग मैन आता है, और हीडलबर्ग मैन आता है, दिस। तो हमने आपसे सवाल पूछा था होमो सेपियंस डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम, किससे इवॉल्व हुए हैं, अब आपका आंसर हमारे ख्याल से क्लियर होगा, जिनका गलत हुआ होगा वो भी जान गए होंगे, बेस्ट आंसर द होमो इरेक्टस, बट वो दिया हुआ नहीं है, तो बेस्ट आंसर या तो जावा होगा, पेकिंग या हिडलबर्ग, आंसर इज दिस, तो आंसर इज द पेकिंग मैन, तो आंसर ए होगा। इसमें कई लोगों का आंसर गलत हुआ, तो ये इसका मतलब इस पार्ट पे आप वीक हैं, कोई क्वेरी हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा, मैं उसको शांत कर दूंगा। यस क्वेश्चन नंबर 7, द कोल डिपॉजिट्स वर फॉर्म्ड बाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, द कोल डिपॉजिट्स वर फॉर्म्ड बाई, यस फास्ट करिए, आप लोग का एक सवाल गलत होता है अगले सवाल पे जोश कम हो जाता है। ए आंसर आ रहा है टेडोफाइट, अब सी भी आंसर आ रहा है, सिद्धार्थ भैया पढ़ाई बंद कर दी है लग रहा है, यस आंसर ए ही सही है, टेडोफाइट्स, कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है, उस कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारे यहाँ जो टेडोफाइट्स थे वही आपके मिट्टी में दब गए
और दे अपियर्स एज ए कोल, इसीलिए उस पीरियड को नाम देते हैं हम लोग कार्बोनीफेरस पीरियड। गलतियां नहीं होनी चाहिए ऐसे जो रिपीटेड सवाल हैं उन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द फिनोमेना ऑफ मेटाजेनेसिस अकर्स इन, बहुत अच्छा सवाल, बेहद पॉपुलर सवाल भी है। द फिनोमेना ऑफ मेटाजेनेसिस अकर्स, अकर्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। यस क्वेश्चन नंबर 8 सी आंसर आ रहा है, और यस ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए था, ओबिलिया। यस मेटाजेनेसिस का मतलब होता है फॉल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फॉल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता है। यस यहाँ पर क्या होता है, पॉलीफेज होती है, उसी से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है, लेकिन इसे फॉल्स इसलिए कहा गया कि ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि दोनों स्टेट डिप्लॉयड हैं, इससे ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहलाएगा। यस लेकिन आंसर सबका सही था। क्वेश्चन नंबर 9, साल्पा एंड डोलियोलम बिलोंग्स टू, जो साल्पा और डोलियोलम है ये किस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 9, फास्ट, बहुत तेज करा करिए आंसर, लोग वेट करने लगते हैं। 9 का सी आ रहा है ट्यूनिकेटा, सुफिया आंसर सबसे पहले करती हैं और लोग वेट करते हैं। यस बी भी आंसर कर दिया है, गलत है आंसर, आंसर सी ही सही है, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा का दूसरा नाम है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। इनके पास सिर्फ टेल वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जब ये एडल्ट बनते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनकी टेल लॉस हो जाती है, क्योंकि टेल लॉस हो जाती है इससे नोटोकॉर्ड भी लॉस हो जाता है। इसमें आपकी किताब में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक एसिडिया जिसकी फोटो बनी है, साल्पा डोलियोलम ये है, लेकिन हम बच्चों से कहते हैं क्लास में कि हार्डमानिया भी याद करिएगा, हार्डमानिया जिसे आप सी पोटैटो के नाम से जानते हैं और आई होप सबको याद भी होगा, या सी स्कर्ट के नाम से इसी को जानते हैं, सी स्कर्ट भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट स्टिल वेरी पॉपुलर। यस क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, लैम्प्रे इज नॉट ए फिश सिंस इट डज नॉट हैव, लैम्प्रे एक मछली नहीं है, वजह बतानी है क्यों ये मछली नहीं है। यस क्वेश्चन नंबर 10, सर स्क्रीन पे दिखने के कम से कम 30 सेकंड बाद आंसर आता है। 10 का बी, फिर सबके हाथों को क्या हुआ है, बी आंसर किया सुफिया और निदा ने, सब लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ए आंसर आया, बी आंसर आया, और लोग कहाँ गए, बी आंसर आया, लैम्प्रे मछली इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है। विजय कुमार गौतम एंड सुष्मित तिवारी, यस इन दो लोगों का आंसर सही है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्किल, हमें लगता है पढ़ाई बंद कर दी लोगों ने। जो हमारी फिशेज हैं इनके पास दो करेक्टर्स हैं, एक कहलाता है पेयर्ड फिन्स, फिश में पेयर्ड फिन्स होना चाहिए और स्केल्स होना चाहिए। आप भूल रहे हैं लैम्प्रे पेट्रोमाइजॉन नाम है, पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन इसका नाम था लैम्प्रे, एक ये एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास होगा माइक्सिन, माइक्सिन इसे हम लोग कहते हैं हैग फिश, इनके डायग्राम बने होंगे, दे हैव एन अनपेयर्ड फिन्स, इनके पास फिन्स पाई जाती हैं अनपेयर्ड, तो ये कैसे कह सकते थे। तो करेक्ट आंसर इज द सी, और बहुत सारे लोगों ने आंसर ही नहीं किया इसमें, इज अ रॉन्ग। चलिए खैर ध्यान रखिएगा, अगर आप मछली कहते हो किसी को, वास्तविक फिश कहते हो, तो ध्यान रखिएगा उनके पास पेयर्ड फिन पाए जाएंगे और स्केल्स पाई जाएंगी। जो आपके लैम्प्रे या साइक्लोस्टोम जिसे नाम देते हो वहाँ पर फिन्स हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम भी चेक कर लीजिएगा, अनपेयर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, किलोन इज कॉमनली नोन एज, बताना है किलोन जो है वो कॉमनली किसे कहते हैं, इज कॉमनली नोन एज, क्वेश्चन नंबर 11। चले बाद में आंसर सही आने लगे समझाने के बाद, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। 11 का ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बढ़िया है, गार्डन लिजर्ड भी लगता है लोगों को। यस किलोन इज द आंसर ऑफ टर्टल, टर्टल कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, टर्टवाइज जो होता है ये आंसर टेस्ट्यूडो, इसलिए करेक्ट आंसर इज द टर्टल।
बिल्कुल अब बी भी आंसर राम मोनू कर रहे हैं भाई, कितना गलत कर रहे हैं आंसर। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द बर्ड्स, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बर्ड्स का एक्सक्लूसिव फीचर है, यानी सिर्फ बर्ड्स में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तुरंत आपको आंसर करना है सर, प्लीज वेट मत करिए। डी आंसर आ रहा है, सुफिया बहुत तेज आंसर कर रही हैं, लेकिन और लोग गलत भी कर लेते हैं इसे। यस बिल्कुल सही आंसर है, बर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फेदर्स, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, सही है, लेकिन सर ऐसे कुछ जानवर हैं जैसे चमगादड़ को आप देखें, उनमें भी फोर लिम्ब विंग के फॉर्म में डेवलप हो गया, तो वो बर्ड्स का एक्सक्लूसिव फीचर नहीं कहलाया। यस तो 12th का डी आंसर होगा। यस क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई, आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई, क्विक आंसर करें जल्दी से। ए आंसर वायरस, यस हम तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते इसके लिए, आंसर सही है। यस द आंसर इज द राइनो वायरस, इट ऑलवेज अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, न्यूमोनिया की बात जब करिएगा तो वो हमेशा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है, एल्वेलाई पे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14, HIV इज क्लासिफाइड एज ए रेट्रो वायरस बिकॉज इट्स ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन is carried in. HIV is classified as retrovirus because its genetic information is carried in. Rajmal, good evening. Question number 14. D answer आ रहा है। Retroviruses हर उस वायरस को कहते हैं जहाँ पर जो genetic material होता है वो यहाँ पर RNA होता है, क्योंकि वहाँ पर reverse transcription करना पड़ता है। जब वो host cell में जाएगा तो this RNA changes into the DNA. जब DNA से RNA बनता है तो उसे transcription कहते हैं, लेकिन जब RNA genetic material है तो उसे DNA बनाना पड़ता है, उसे reverse transcription की वजह से हम retrovirus कहते हैं। भैया ए कौन कर रहे हैं अमरीश चौधरी, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, गलत मत करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, पाश्चुराइजेशन इज, पाश्चुराइजेशन कैसी प्रक्रिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं, पाश्चुराइजेशन इज, बी सचित ने आंसर किया, हीटिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम 65 बिटवीन 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, बिल्कुल सही आंसर है। यस पाश्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सिर्फ हार्मफुल जर्म को मारते हैं। जब आप स्टरलाइजेशन कहते हैं तो वहां हार्मफुल और यूजफुल दोनों को किल कर देते हैं, लेकिन पाश्चुराइजेशन में सिर्फ हम हार्मफुल जर्म को मारते हैं। अक्सर ये शब्द आप दूध के हिस्से में पढ़ते हो कि दूध में हम स्टरलाइजेशन नहीं करते। यस क्वेश्चन नंबर 16, इंटरफेरॉन्स आर, बड़ा पॉपुलर सवाल है, कभी गलत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं, इंटरफेरॉन्स आर, इंटरफेरॉन्स आर, 16 का बी आंसर हुआ अंजला, प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही आंसर है इनका। यस हमेशा जब भी कभी वायरस का इन्फेक्टेड इन्फेक्शन होता है, नहीं ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट हो जो वायरस हो, जैसे ही किसी सेल को अटैक करते हैं तो जिस सेल को अफेक्ट करते हैं वो सेल ही ये प्रोटीन का सिक्रेशन करती है ताकि जो अन्य पड़ोस वाले सेल हैं उनको बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 17, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर अब्सेंट इन, ये चार ऑप्शन है, बताना कौन सा हिस्सा है निसल ग्रेन्यूल वहां नहीं पाए जाते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत लोग हमेशा देर में करते हैं, खुशी ने पहला आंसर किया है, निसल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं और सभी जगह पाए जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन, साइटोन और डेंड्रॉन दोनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लाइंस, यानी आपके शरीर में कौन सी ऐसी जगह है जहां स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ऐसी एपिथेलियम जिसमें छोटी और बड़ी दोनों प्रकार के सेल पाई जाती हैं, यानी बेसिकली वो सिंपल एपिथेलियम होती है बट नजर वो स्ट्रेटिफाइड आती है,
18 का बी आंसर आ रहा है ट्रेकिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। बिल्कुल सही बात है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई हैविंग दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज क्वाइट करेक्ट आंसर। 19, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ आवर बॉडी आर, हमारे शरीर में कई तरह के न्यूरॉन हैं, आपको बताना है कौन से ऐसे न्यूरॉन हैं जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। ए, अंजला ने पहले आंसर किया है मल्टीपोलर, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्यूडो यूनिपोलर नहीं होते या यूनिपोलर्स नहीं, बाइपोलर्स नहीं होते। बाइपोलर न्यूरॉन आपने पढ़ा होगा, ये रेटिना में पाए जाते हैं दिस, और ये पाए जाते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। अगर आप स्पाइनल नर्व पढ़ रहे होंगे या रिफ्लेक्स एक्शन कभी आपने पढ़ा होगा, उस डायग्राम में चेक करिएगा रिफ्लेक्स एक्शन या आर्क में, वहाँ स्यूडो यूनिपोलर है। ये सामान्यतः हमारे यहाँ इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं या फिर आप कह दीजिए एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, आप में एट प्रेजेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेसिव कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड, जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो कहाँ एक्सप्रेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा आंसर लोग कर रहे हैं, शुरू में गलती होने लगी थी बट अब सही है। क्वेश्चन नंबर 20, रिसेसिव कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड, सचेत भल्ला ने पहला आंसर किया है व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, और कोई आंसर अंजल आती भी बी आंसर कर रही, फरत रब्बानी, अच्छा आपका 19 था, यस बिल्कुल सही है, सचित का आंसर सही था, यस, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक एक्स पर ये पाया जाएगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा। फीमेल में चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम होंगे तो अगर एक पर पाया जाएगा दैट इज नोन एज एन कैरियर, लेकिन अगर ये दोनों पर पाया जाएगा तब वो अफेक्टेड हो पाएगी, यस। चलिए बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर बना के क्लियर कर दीजिए यूनिपोलर मल्टीपोलर में। अच्छा चलिए एक मिनट लगेगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन उन्हें कहते हैं जहां पर ढेर सारे साइटॉन्स होते हैं, ऐसे सॉरी डेंड्रॉन्स, ये कहलाया मल्टीपोलर, दिस इज द मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स उन्हें कहते हैं जहां पर साइटॉन होता है और सिर्फ एक प्रोसेस होता है, और जो प्रोसेस होता है वो हमेशा इफरेंट होता है, दैट इज यूनिपोलर। और बाइपोलर उन्हें कहते हैं जहां पे दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस डेंड्रॉन है और एक प्रोसेस एक्सॉन है, जब आप रेटिना का डायग्राम बनाते हैं तो हो जाता है। हमारे ख्याल से विजय कुमार गौतम आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। कलर ब्लाइंडनेस इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मेल देन इन फीमेल, बिकॉज बताना है जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मेल में ज्यादा बढ़िया नजर आता है फीमेल के तुलना में, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 21, डू योर आंसर फास्ट। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन द मेल देन इन फीमेल बिकॉज, चलिए थैंक यू, बात सही आ गई। 21 का बी आंसर आ रहा है दैट इज जीन्स फॉर द कैरेक्टर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है अमन सिंह, अच्छा ओ मेरी गलती हो गई है सर, बी इज दिस एंड सी इज दिस, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो जिन्होंने बी किया है मैं उन्हें सही मान लेता हूँ और जिन्होंने सी किया है उनको भी बी ही माना जाएगा। तो आंसर द जीन्स फॉर द कैरेक्टर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे तो मेल में अगर होंगे तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम से काम चल जाएगा और वो एक्सप्रेस हो जाएगा, फीमेल में होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 22, जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, कौन सा ऐसा इसमें स्टेप है जिसमें आप कह पाओगे कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 22, यस आंसर आना चाहिए तुरंत भाई, काफी देर हो गई। अंजला ने आंसर किया सी, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल टू द प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, और लोग आंसर करें, यस बिल्कुल सही आंसर है, जहां पर आपका जो पिरामिड है वो ऐसा बनता है, यानी जो रिप्रोडक्टिव एज है और जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो एक बराबर है, यानी ये हमारी प्री रिप्रोडक्टिव एज है, ये रिप्रोडक्टिव एज है और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, तो जितने हम हैं उतने ही अगर पैदा करेंगे तो जाहिर है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 23, विच मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ मोर रियलिस्टिक, कौन सा ऐसा जो ग्रोथ मॉडल आप पढ़ते हो, तो कौन सा ऐसा ग्रोथ मॉडल है जो काफी वास्तविकता के करीब है, ज्यादा रियलिस्टिक है। यस, हमारे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 23 यूपी फिजिक्स, यूपी वल्ला, हाँ इनका आंसर ए आया है पहले, लॉजिस्टिक मॉडल। अमन सिंह डी कर रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज द यस। ये तो बड़ा आसान है, लॉजिकल है, समझने वाला है, और ये ऐसे आपने पढ़ा होगा, शुरू में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ धीमे होती है, फिर तेज होती है, फिर रफ्तार धीमी पड़ती है, बाद में कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसी को हम लोग लॉजिस्टिक कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल है, जे शेप जो पढ़ाया जाता है, ये लॉजिकल है नहीं, क्योंकि वो पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है, तो ये वाली जो स्टेप है ये ज़्यादा लॉजिकल दिख रही है। बेचा कुमार गौतम कह रहे हैं नहीं पता, इसका मतलब आपने अभी वो इकोलॉजी ढंग से तैयार नहीं किया है। यस, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी व्हेन एन इक्वल टू 1000 एंड एस इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है जहां एन जो है वो 1000 है और एस, अब आप जानो एन और एस क्या है, ये आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे बेटा, वहां का ये पोर्शन है, ये जो इसके पीछे का जो क्वेश्चन था, ये इकोलॉजी में ग्रोथ मॉडल आप पढ़ते हो ना, तो उसका है। यस, फाइंड आउट द, इकोलॉजी के चार चैप्टर हैं उनमें से है, तो फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी व्हेन, यस 24 आने लगा आंसर भाई, 10 आया, बिल्कुल पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इट कैन बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सरफेस एरिया, कितने एरिया में है, 1000 लोग हैं, 100 मीटर स्क्वायर है, 10, बिल्कुल सही आंसर है। यस, तो हम बात कर रहे थे कि सर इकोलॉजी में आपके पास चार चैप्टर हैं, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, दूसरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो वो जो हमने ग्रोथ मॉडल की बात की थी, एंड दैट वाज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं, हिसार डेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ ए डेवलप्ड इन द पंजाब बाय क्रॉसिंग बी एंड सी, बहुत पॉपुलर सवाल, हियर ए एंड सी रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 25, खुशी ने पहला आंसर किया है, हिसार डेल सीप की ब्रीड है, डेवलप इन द पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव एंड मैरिनो रैम, बिल्कुल सही आंसर है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब 23 पे है मनीषा पटेल, आप थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा आगे आइए। यस, 26, द प्लांट सेल विदाउट द सेल वॉल इज कॉल्ड, एक ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, और टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं ना, वहां पे स्ट्रेटजीज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। यस, 26 की बात हो रही है, 26 ए आंसर किया खुशी ने सबसे पहले, प्रोटोप्लास्ट, बिल्कुल, क्योंकि दो ही कल्चर का जिक्र आपकी किताब में है, एक मेरिस्टेम कल्चर जिसमें हम वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और एक प्रोटोप्लास्ट कल्चर कि दो डिफरेंट वैरायटीज को हम फ्यूज कराते हैं, प्रोटोप्लास्ट बना करके हम उसे फ्यूज करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर है, बिल्कुल सही। आज कोई वॉइस की कंप्लेन नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है वॉइस कहीं ज़्यादा बेहतर रही होगी, नहीं तो हर सेशन में एक या दो बच्चा ये ज़रूर कहता था कि सर वॉइस नहीं आ रही, आज किसी ने नहीं कहा। चलिए, 27, यूज ऑफ द एंटी हिस्टामिन्स एंड स्टेरॉयड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम, यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉयड गिव ए क्विक रिलीफ फ्रॉम दवा। यस, बी 27 का बी एलर्जी, बिल्कुल सही आंसर है, एलर्जी के दौरान हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है, और वो हिस्टामिन जहां हिस्टामिन के रिसेप्टर है वहीं जाके अटैक करते हैं, जब भी एलर्जी होगी तो वहाँ हिस्टामिन बढ़ेगा, और वो जा करके इनके रिसेप्टर्स या तो स्किन पर हैं या स्टमक पर हैं, इन दो जगह पे सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए अक्सर आप देखोगे एलर्जी के सिम्टम या तो GIT के होते हैं या स्किन के होते हैं, तो वहाँ पर हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज करते हैं। यस, 28, डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ अबाउट, डायनासोर अचानक हमारी धरती से गायब हो गए कैसे, यस बताना है आपको, डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ अबाउट, क्वेश्चन नंबर 28,
सचित ने आंसर किया 65 माया, बिल्कुल सही आंसर है। मैं तो ये देख रहा हूँ गलत कौन कर रहा है, सही तो सारे लोग कर रहे हैं, तो हमें गलत वाले बच्चे को देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का गलत हो रहा हो। यस 29, मोस्ट अपेरेंट चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द होमोसेपियंस इज ट्रेस्ड इन, जो सबसे बेहतरीन चेंज आया, जो सबसे बड़ा चेंज नजर आता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमोसेपियन, जो अभी आपको बताया था, तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे रिमार्केबल है। 29, अंजला अतीक ने आंसर किया डी, बिल्कुल सही आंसर है डी। सबसे पहला आंसर है का रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, क्योंकि हमारे ब्रेन, और ब्रेन में भी अगर कभी चूज करना हो तो बेहतर आंसर है सेरिब्रम, हमारा सेरिब्रम का साइज जो है वो काफी बड़ा हो गया। भाई आपके जो कजिन है एप, आज भी उनके जहाँ पर जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 450-500 cc है, और आप सोचिए 1400 से 1600 cc चले गए, तो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि आपके ब्रेन का विकास हुआ। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग यूज्ड एज ए एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। बहुत बढ़िया आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। सबसे पहले आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही आंसर है लाइकेंस, और ये टर्म आपने और भी जगह पढ़ा होगा, बट इवोल्यूशन में भी लिखा है जहाँ इंडस्ट्रियल मैनेजम कहते हैं। अगर आपने पढ़ाई अच्छी की होती है ना, तो क्वेश्चन जब आप पढ़िए तो आपको तुरंत उस जगह ले जाता है जहाँ आपने वो पढ़ा है, और ऐसा अगर आपके पास हो रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप उस टॉपिक तक, उस पन्ने तक, उस पैराग्राफ तक पहुंच रहे हैं, तो समझिए कि आपकी पढ़ाई ट्रैक पर है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ लैक है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं या पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 31, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन सी ऐसी लेयर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले डेवलप होती है। यस, क्रेनियल कैपेसिटी और इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट सीधे तौर पे तो नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह लेते हैं कि जो क्रेनियल कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो ब्रेन ज्यादा होगा, और ब्रेन बड़ा जब होगा तो जाहिर है ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। इंटेलिजेंस तो मैंने कहा ना, सेरिब्रम में जो एसोसिएशन एरिया है वो डेवलप हुआ हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी जर्म लेयर सबसे पहले डेवलप होती है। तो फर्स्ट प्राइमरी जर्म लेयर विच इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज द एंडोडर्म। गैस्ट्रुला नाम की एक स्टेज होती है, उस स्टेज में तीनों प्राइमरी जर्म लेयर बन जाती हैं, एक्टो भी बनती है, मीजो भी बनती है, और एंडो भी बनती है। तो सबसे पहले जो जर्म लेयर बनती है वो एंडोडर्म बनती है, इसलिए जो लोग ए आंसर कर रहे हैं वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, द एम्ब्रियो एट द 16 सेल स्टेज इज नोन एज। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 16 सेल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज। तुक्का मारने वाले थे पर मारा नहीं, चले कोई, दैट इज मोरूला। बिल्कुल सही आंसर है मोरूला। हमारे यहाँ पर मोरूला इज ऑफ 8 to 16 सेल स्टेज हमारे डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जहाँ आप जो है पढ़ते हो IVF ET, उस जगह का क्वेश्चन है। अरे आलम खुर्शीद बहुत बड़ी दुआ कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। तो दुआएं लग जाती हैं वैसे हमको, मैंने महसूस किया है कि अगर आप दुआ कोई करता है तो मुझे लग जाती है, मेरा अपना अनुभव है, तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा ऐसा इवेंट है जो सही इवेंट नजर आता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो रहा है। पढ़िए आंसर, थोड़ा लेंदी सा है। यस, क्वेश्चन नंबर 33। यस, खुशी ने पढ़ लिया है, उसका कहना है कि बी आंसर सही है। सिक्रेटरी फेज में डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और कोई आंसर, डी आंसर आने लगा है। ओवुलेशन, LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द प्रोजेस्ट्रॉन। बड़ी अजीब बात है, कैसे आंसर बदलने लगा भाई लोगों का। द करेक्ट आंसर सबसे पहले ही आया था। मैडम ये जिन लोगों ने आंसर किया है गलत है। जैसे सर ओवुलेशन के बाद इंक्रीज होगा,
शार फॉल नहीं होगा, इसलिए डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो करेक्ट आंसर द बी, सेक्रेटरी फेज में ही ओवल्यूशन के बाद एलएच, एलएच ही ओवल्यूशन कराता है और बचा हुआ जितना पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का मेजर पार्ट यानी मेम्ब्रेना ग्रैंडुलोसा, वही सा कन्वर्ट होता है, ल्यूटिनाइज होता है और बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज येलो बॉडी या टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। और जब तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता रहेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 34, ट्विलाइट विजन इज, कई लोग का आंसर गलत हो गया था, ट्विलाइट विजन किसे कहते हैं? 34 नंबर पे आ जाएं, ट्विलाइट विजन इज ऑल्सो कॉल्ड, 34 कहाँ रह गए भाई सब लोग? गुड इवनिंग संजय कुमार, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 34 पे, हम लोग डी आंसर किया है इन्होंने, फोटोपिक। वैसे तो आंसर दूसरा भी आ रहा है 33 का, ए सुष्मित तिवारी, इसको टॉपिक विजन द फंक्शन ऑफ रॉड। और कोई आंसर? सर ट्विलाइट विजन आप समझ नहीं पाए, ट्विलाइट हम लोग कहते हैं भोर के समय को, जब सूरज हल्का हल्का निकल रहा होता है, जैसे आप गर्मी के मौसम में हैं तो 5 बजे का समय समझ लीजिए, तो उस समय हमारी रॉड सेल एक्टिव होती हैं क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसको टॉपिक विजन कहलाता है। यानी जो रोडोप्सिन पिगमेंट है उसका नाम भी इसको टॉप्सिन ही है, तो थोड़ा रिलेट करिएगा तो आंसर सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, नर्व फाइबर विच आर एनवेलप्ड बाई द श्वान सेल, ऐसी नर्व फाइबर जिसको एनवेलप कर रखा है श्वान सेल ने, वो कैसी नर्व फाइबर होंगी? 35 पे आए, छोड़िए 34, वो हो गया पूरा। यस, और फास्ट करें भाई, 35 आपकी स्क्रीन पर है, 35 का ए किया है मनीषा पटेल ने, उन्हें हम लोग व्हाइट फाइबर कहते हैं। और कोई आंसर? ए, ए के बाद बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। श्वान सेल जो होते हैं दीज आर द न्यूरोग्लाया, जब भी आप न्यूरॉन पढ़ोगे तो न्यूरोग्लाया जरूर मिलेगा, श्वान सेल कह दोगे तो पीएनएस। दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक शब्द होता है एनवेलप और एक शब्द होता है इनक्लोज। तो जब आपके पास एनवेलप आएगा तो दैट इज एनवेलप का मतलब होता है इसको ऐसे लपेट लेना, ये ऐसे इसको लपेट लेना, तो लपेट लेगा तो जाहिर है माइलिन शीथ बनेगा, और माइलिन शीथ बनेगा तो दैट गिव द वाइट कलर, और आंसर इज द वाइट फाइबर। और जहां इनक्लोज कहा जाएगा तो उसके अगल बगल ऐसे रखा रहेगा इस तरह से, उसको शीथ नहीं बनाएगा। तो 35 का ए, और कोई आंसर जो आ रहा था वो गलत है। अभी कई लोग की पढ़ाई बहुत अप टू द मार्क नहीं है, हमारे ख्याल से कई लोग को काफी कुछ वर्क करना चाहिए। 36, विजुअल पर्पल इज इन, कौन सा ऐसी इसमें से नाम दिए जा रहे हैं जिसमें आप विजुअल पर्पल नाम की चीज पाते हो? 36 का ए आंसर आया है, अंजला ने किया है रॉड। और लोग आंसर करें, गलत हो रहा है कई लोग का आंसर, ये अच्छी बात नहीं है। विजुअल पर्पल इज द नेम ऑफ द रोडोप्सिन, पूरी बात पढ़िए, आधा पढ़ेंगे तो गलत होगा। ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि रॉड सेल में रोडोप्सिन होता है, ये भी जानिए रोडोप्सिन का दूसरा नाम विजुअल पर्पल है या इसको टॉप्सिन है। यस, ऐसे ही कौन सेल में जो आप पढ़ते हो आयडोप्सिन पाया जाता है, उसे हम विजुअल वॉयलेट भी कहते हैं। 36 का यही था। 37, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द कोन, देन की जगह वेन कर दीजिए, यार ये टाइप में मिस्टेक हो गई हमें से। व्हेन ऑल थ्री टाइप ऑफ द कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, कलर सेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड, किस प्रकार का कलर सेंसेशन प्रोड्यूस होता है? बहुत आसान सा सवाल, 37 खुशी अग्रवाल ने सी किया है, बिल्कुल ये तो एनसीईआरटी की लाइन पिक की गई है। अगर जो तीनों प्रकार के कोन सेल्स हैं जो रेड ग्रीन और ब्लू के लिए सेंसिटिव थे, अगर इक्वल मात्रा में स्टिमुलेट हो, इक्वली स्टिमुलेट हो तो वाइट कलर ही होगा। और अगर यही सवाल पूछा जाए इनमें से कोई भी सेल कौन सेल स्टिमुलेट ना हो तो कौन सा कलर होगा? यस, तो आप ये बताइए 37, अरे विजय कुमार कहते हैं उर्दू के शब्द सीखने को मिला, तो यस थोड़ी भाषा में होगा हमारे, तो ब्लैक कलर बिल्कुल सही आंसर है, ब्लैक। चलिए 38, व्हाट इज द सार्कोमियर, सार्कोमियर किसे कहते हैं? व्हाट इज द सार्कोमियर, मसल फाइबर का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उस जगह पर ऐसे, सबका आंसर सही है, अगर सब इक्वली स्टिमुलेटेड तो व्हाइट, और अगर आपके पास कोई भी स्टिमुलेट ना हो तो ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 38, डी आंसर आ रहा है, यस
डी भी आंसर आ रहा है यार, क्या बताएं, कुछ लोग कैसे पढ़ रहे हो। जेड लाइन के बीच में, तो जेड लाइन पाई जाती थी किसी भी दो जेड लाइन के बीच में, वो सार्कोमियर है, एंड दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। भैया जिनकी तैयारी थोड़ी कम है, थोड़ा अच्छा पढ़ाई करें, अभी भी बहुत टाइम है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? 39 पे आ गए सर हम लोग, 38 छोड़िए, अब गया 39। आंसर करें बी, खुशी ने आंसर किया है, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कॉन्स्टेंट। यस बी, बिल्कुल सही आंसर। अपना हाथ थोड़ा तेज चलाएं, दिमाग थोड़ा तेज चलाएं, आंखें भी तेज चलाएं, बिल्कुल सही होगा। यस क्वेश्चन नंबर 40, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल विद इन द साइनोवियल ज्वाइंट। अगर हमारी साइनोवियल ज्वाइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? बहुत आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। अंजला ने आंसर किया है सबसे पहले और आंसर बिल्कुल सही है, गाउट। जो बीमारी आपकी किताब में दी गई है उनमें सबसे अंतिम बीमारी, तीन ही बीमारी तो पढ़ाई गई है उस बोन में, एक का नाम दिया गया आर्थराइटिस, दूसरे का नाम ऑस्टियोपोरोसिस और तीसरे का नाम गाउट, एनसीईआरटी में यही है। जो क्वेश्चन हमसे पढ़ा है, जो चैप्टर वो पढ़ के ही हो जाता है, ऐसा नहीं है, एग्जाम में भी हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए। 41, पोडोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट ऑन। कौन सी ऐसी पोडोसाइट्स हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? एग्जाम का पेपर मैं थोड़ी ना बनाऊंगा, यू शुड बी एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रेम्ड बाय एनीवन। 41 का ए आंसर किया अंजल, सॉरी बी आंसर किया है, इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। यस बिल्कुल सही है, इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। ये पोडोसाइट जो होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, लाइक दिस, ऐसे, और इनके बीच बीच में स्लिट पोर्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो उसी स्लिट पोर के रास्ते ब्लड कंपोनेंट सारा का सारा फिल्टर हो जाता है, सिर्फ प्रोटीन और आपकी ब्लड सेल्स नहीं छनती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाई। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो बनाई जाती है और सिक्रीट की जाती है किनके द्वारा? यस एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोड्यूस्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड 42 का ए आंसर आ रहा है अंशिका, फिर डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बढ़िया भैया। इसका मतलब चीजें आप लोग नहीं पढ़ते हो, सच्ची में नहीं पढ़ते हो, मुझे ऐसा लगता है। पूछा जा रहा है एंजियोटेंसिनोजन इज सिक्रीटेड फॉर्म बाय, आंसर द लिवर सेल, बनाती है हमेशा ब्लड में पाई जाती है। अब कितनी गंदी बात है, आपने टॉपिक पढ़ा था रास जे जी सेल, भैया इससे रेनिन निकलता है, कहाँ हो, इस रेनिन का काम जो होता था वो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन जो पहले से उपलब्ध होता था उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। कहाँ पढ़ लिया एंजियोटेंसिनोजन इज फॉर्म बाय जे जी सेल्स, बढ़िया है भैया, फिर तो आप, हमें लगता है बहुत सही। अब इस लड़की को 43 कहाँ से आया गया? डी, 42 का ए नहीं है, डी है। अब आया 43, इन मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के दौरान कौन सी ऐसी इवेंट होता है? फास्ट करिए, फास्ट सोचिए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि गलत सोचिए, याद आ गया। चलिए 43 का सी, फिजिक्स वल्ला ने आंसर किया है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा यूपी वल्ला, अरे नाम भी बड़ा अच्छा रखा है यार। यूरेथ्रा रिलैक्सेस, मिक्चुरेशन के दौरान यूरेनी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्फिंक्टर और यूरेथ्रा रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल सही है 43 का सी। ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में लोग आंसर कर देते हैं इसलिए ये गलत होता है। देखिए बी किया इन्होंने, यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट किसी ने, तो गलत था। यस 44, हार्ट ऑफ हार्ट इज, दिलों का दिल कौन है? बहुत अच्छा सा सवाल है कि कौन सा ऐसा शरीर का हिस्सा है जैसे आप दिलों का दिल कह सकते हैं। 44 ए आंसर है, सचेत आंसर करें, ऐसे नोड, बिल्कुल सही है, ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं, अपर राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम में पाया जाता है, इसी को हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पर, लेकिन मैक्सिमम सर पोटेंशियल जनरेट करता है, स्टिमुलस जनरेट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द यस हार्ट बीट, बिल्कुल सही है। 45, रीनल पोर्टल सिस्टम इज अब्सेंट इन,
रीनल पोर्टल सिस्टम आपने तीन पढ़े होंगे, हिपैटिक, रीनल एंड हाइपोफाइसियल। आपको बताना है रीनल पोर्टल सिस्टम किन में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट बताना है। यस, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। 45 का बी आंसर आ रहा है मारिया। और कोई आंसर? निदा फातिमा बी करें, एम्फीबियन में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता। बढ़िया, अंजला तीक डी कह रही है। सर ध्यान रखिएगा, रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो सिर्फ दो जगह पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इट इज प्रेजेंट इन द फिशेज और एम्फीबिया, ये दो जगह डेवलप्ड है। दिस सर रेप्टाइल में ये रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस्ड है। बर्ड्स में वेस्टिजियल है, बर्ड्स में वेस्टिजियल, और मैमल्स में एब्सेंट है। तो मैमल ऑप्शन ढूंढ लीजिए, यही सबसे अच्छा आंसर है। लेकिन मैमल तो दिया नहीं है, तो आप बर्ड करिए ना आंसर। तो आंसर इधर डी। कई लोगों का आंसर सही हुआ है, लेकिन कई लोग ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, उसको लग रहा है पूछा जा रहा है प्रेजेंट। ऐसी गलती एग्जाम में भी करोगे आप लोग। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू द फाइब्रिन इज कैटलाइज्ड बाय। ब्लड क्लॉटिंग के वक्त आपने पढ़ा होगा कि जब हम फाइब्रोजन से फाइब्रिन बनाते हैं तो कौन है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अंजला 46 का ए आंसर कर रही हैं, और लोग बिल्कुल क्लास में बताया होगा। 46 का ए डी भी कर दिया आंसर, ऑल ऑफ दीज कह रहे भैया सुफिया। द फाइब्रोजन जो है ये इज कन्वर्टेड टू द फाइब्रिन इज बाय द थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को बनाया था आपने प्रोथ्रोम्बिन से, और इसको कैटलाइज किया था थ्रोम्बोकाइनेज ने। तो हमने तो ये सवाल पूछा ना कि फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है, तो आंसर तो ए होना चाहिए ना, किसी एक ने गलत कर दिया था। 47 इन द लंग्स देयर इज अ डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द आरबीसी एंड द प्लाज्मा, रिमूवल ऑफ द CO2 फ्रॉम द ब्लड इन्वॉल्व। बढ़िया सवाल है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर 47 में नहीं दोबारा पढ़ूंगा। यस 47 आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 इन द लंग्स देयर इज अ डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आरबीसी एंड द प्लाज्मा, रिमूवल ऑफ द CO2 फ्रॉम द ब्लड इन्वॉल्व्स। 47 का ए आंसर किया है, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू द आरबीसी। और कोई? 47 का डी आंसर है, इफ्लक्स ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द आरबीसी। और पढ़ के देख लीजिए 47, मैं देखिए कहां पर बात कर रहा हूं, लंग्स की बात कर रहा हूं जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हम ये चाहते हैं कि जो CO2 आप लेकर आए हैं वो हमारी लौट आइए। तो CO2 आप बाइकार्बोनेट आयन यहां पर लेकर आए हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा और क्लोराइड आयन बाहर जाएगा। दिस ये लंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने कहीं क्लोराइड शिफ्ट याद आ रहा है तो वो टिश्यूज में पढ़ा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने, हमने शुरू में लंग्स लिखा था। तो लंग्स में डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ बिटवीन आरबीसी एंड दिस। तो अब आपके पास इस जगह पे बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है H+ के साथ मिल करके सर H2O और CO2 बनाएगा, और वही CO2 रिलीज होगी। तो यस, इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इनटू द आरबीसी, आंसर इज द बी। अब आप सोचिए कितना गलत आंसर किया लोगों ने, बहुतों का आंसर गलत है। और सबसे विचित्र बात, ये सवाल आपके पास होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ये सवाल आपने किया ना हो, लेकिन फिर भी गलत हो गया ना। तो चीजें ध्यान दीजिए। 48 व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व विल बिकम। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व का क्या होता है। 48 पे आ जाइए, छोड़िए 47 का नाराजगी। 48 व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कैसा हो जाएगा। अरे भाई नजर आओ भाई, कहाँ चले गए सब लोग, चलो मैं इंतजार करते हैं भाई, आप लोग गायब हो जाओगे। 48 बताएं। अब आकाश राजपूत सी कर रहे हैं, पता नहीं किसका आंसर कर रहे हैं। 48 आना शुरू हुआ, ए भी आ गया, अंजला ने किया, सी किया आंसर। अब देखिए जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हुई। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हुई तो CO2 कम बना, रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन ज्यादा बनी, एफिनिटी ज्यादा हो गई, P50 वैल्यू कम हो गई। कम होने से ग्राफ लेफ्ट साइड आ गया, तो जो आपका पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी ये शिफ्ट वेदर हुआ। तो पहले जितना स्टीपर था अब ज्यादा स्टीपर हुआ कि नहीं, तो आंसर दे स्टीप का मतलब ढाल।
अब देखिए पहले ज्यादा ये ए था, ये बी है, तो बी में ज्यादा ढाल आपको देखना चाहिए, ये भी आपका आया हुआ सवाल है। तो आप लोग अनसॉल्व कर रहे हो तो गलतियां क्यों हो जाती हैं? या तो आप में से लोग अनसॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज क्वेश्चन करिए और समझ के करिए। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड कॉजेस, लंबे समय तक अगर निकोटिनिक एसिड यानी नायासिन आप कह लें इसकी डिफिशियंसी बनी रहेगी तो हम उस बीमारी को क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी 49 पे आ जाएं, बी आंसर किया अंजला ने, जेरोप्थैल्मिया का दिमाग खराब हो गया अंजला का। ए बिल्कुल सही है, पेलेग्रा, जेरोप्थैल्मिया लड़की विटामिन ए की कमी से होता है, कहां सो रही है? ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, तो ये कैसे गलत कर रही है अंजला आप? यस क्वेश्चन नंबर 50 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंट्रोगेस्टेरोन, ये गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंट्रोगेस्टेरोन, क्वेश्चन नंबर 50 गलत नहीं होना चाहिए। सुफिया ने आंसर किया ए, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और कोई आंसर सचेत? यस 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 बिल्कुल सही है, इंट्रोगेस्टेरोन का दूसरा नाम होता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये ड्यूटेनम से निकलता है, स्टमक की वॉल पे एक्शन करता है और एससीएल और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन घटा देता है। चलिए हमारा ये सेशन, मेरा नाम ले लीजिए सूरज शर्मा, बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया, एक्चुअली इतने सारे लोग इतनी तेजी से चैट बढ़ता है तो नाम लेना सबका पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चा सबसे पहले आंसर करे उनका नाम ले लिया जाए। तो चलिए आज का सेशन हमारा पूरा हुआ। यस ये तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैंने एड्रेस चेंज किया अपना ऑफलाइन का, तो अब मैं नई जगह पर मिलूंगा आपको नए सेशन में, तो अगर कभी को रिकमेंड करना हो तो आप नई जगह पर रिकमेंड करिएगा। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और हम लोग फिर अगले संडे मिलेंगे और इसी समय मिलेंगे 6 बजे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा पढ़ कर आइए। हाँ मैं समझ गया, यूपी वल्ला साइंस, आई एम अरविंद चक्रवर्ती, चलिए बहुत बढ़िया। और यस आपका इस नाम से चैनल चलता है ना अरविंद चक्रवर्ती, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए ठीक है, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भाई, आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आप आइए सेशन में तो प्लीज़ पढ़ कर आइए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अपने सेशन में सर कोई फालतू बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग उस बात को कॉपरेट करते हैं, यही बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे क्लास के वीडियो लेक्चर ले सकते हो, वो मैं कई अपने वीडियो में कहता रहता हूँ, हमारे ऐप पे जाइए, और नहीं जानते हैं तो आप मुझे ऐप पे आइए और अपना नंबर भेजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँ, वहाँ से मिल जाए। चैप्टर नहीं है भैया, सूरज शर्मा, एच पी दिनकर चरण स्पर्श कर रहे हैं, खुश रहिए, ये चैप्टर नहीं फुल सिलेबस चल रहा है, जितना जूलॉजी का पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से मैं 50 क्वेश्चन हर संडे कर रहा हूँ। चलिए बहुत 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 धन्यवाद, वैसे मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा, और शेयर कर देंगे तो बढ़िया है। लेक्चर प्रोवाइड करवा दीजिए, उसके लिए हम आपको बता दें सर, हमारा नाम आप सर्च करिएगा प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाइएगा और डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट द जूलॉजी प्रीमियम कोर्स, जूलॉजी प्रीमियम कोर्स, यस ये कोर्स है, उस कोर्स को आप वहीं से ले सकते हैं, ये एप्लीकेशन का नाम है, सॉरी मिट गया नाम, एप्लीकेशन का नाम है, इसी एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। सर हो गया सब्सक्राइब, चलिए बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब हो गया, अपने फ्रेंड्स को कर दीजिए, लोग जान जाएंगे भाई हम पढ़ा रहे हैं। स्तुति मिश्रा कह रही हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और प्लाज्मा में प्रोटीन का डिफरेंस है, यस जो आपके जब प्लाज्मा आप कहते हो तो प्लाज्मा में तो प्रोटीन पाई जाती है ना, प्लाज्मा जब आप कहते हो उसमें खाली फॉर्म्ड एलिमेंट हटा देते हो, जब आप फिल्ट्रेट की बात करते हो तो उस प्लाज्मा में से प्रोटीन नहीं छनेगी, तो यस क्लियर हुआ। तो चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारे सेशन में आए और बहुत अच्छा लगा, फिर संडे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए शब्बा।